Excuse me, Professor. क्या मैं जान सकता हूँ आपने मुझे क्लासरूम से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि तुमने मुझे वापस फोन नहीं किया। फोन नहीं किया? आपने मुझे कब कहा फोन करने के लिए? 12 साल पहले। What do you mean by 12 साल पहले? जब सीनियर ईयर में तुम मुझसे प्रॉक्सी लगवाते थे, मेरे नोट्स कॉपी करते थे और एग्जाम्स में मेरे पीछे बैठकर मेरा पेपर कॉपी करते थे। तानिया शर्मा। उसके बावजूद मैं फेल हो गया। इधर तानिया। क्योंकि तुम ठीक से कॉपी भी नहीं कर सकते थे और कॉपी तो छोड़ो, यू डिडंट इवन रिकॉग्नाइज मी। मैं तुम्हें कैसे पहचानता? तुम उस वक्त ब्रेसेस पहना करती थी, 50 किलो तुम्हारे कम हो गए। जिस तानिया को मैं जानता था वो डबल एक्सएल कपड़ों की सुपर डुपर मॉडल हुआ करती थी। एंड नाउ यू आर सो अनफिट। तुम बिल्कुल नहीं बदले। हाँ, वेल थैंक यू। आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड। या तो तुम कोई सुपर सक्सेसफुल वेबसाइट खोलकर तुम एक मल्टी मिलियनेयर बन गए और फिर बोर होकर वापस कॉलेज आ गए हो, या नो 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 नो, मैं कोई मल्टी मिलियनेयर नहीं बना। हाँ, ये जरूर है कि धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स और जेरी पटेल में तुम जानती हो कॉमन क्या है? वो तीनों कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। बस फर्क इतना है कि वो स्पेशल बंदे थे और मैं जो हूँ स्पेशली चैलेंज्ड हूँ। बेसिकली लाइफ ने उन्हें थपथपा के आसमान तक पहुँचा दिया और मुझे थप्पड़ मार के सीधे अपने ग्रेजुएशन के लिए पहुँचा दिया। तो ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने का पहला टिप, तुम्हारी अगली क्लास 5 मिनट पहले शुरू हो चुकी है। Run, Jerry, run! Yeah, fatso. Whatever. ताने, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ हमें किसी ने साथ देख लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी? क्लासरूम के बाहर ना ही मैं टीचर हूँ और ना ही मैं क्वेश्चंस आंसर करती हूँ। तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो ना? क्यों? नहीं, मेरी फेल होने खुशी में नाच रही हो तुम। रॉको तो बहुत अच्छा नाचता था। उसे मरे हुए 3 महीने हो गए। He's dead. So sad. मैं तो उसे मिलना चाहती थी। तुम्हारा आदमियों में टेस्ट सीरियसली बहुत अजीब है। जानती हूँ, इसलिए तो कॉलेज में I had a big crush on you. ओहो, तो अब मैं समझा। तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें नोटिस करूं, लेकिन मैं चीयरलीडर्स के पीछे बिजी था और अब तुम अपना 12 साल पुराना बदला पूरा कर रही हो मुझे फेल करके। तब मैं मोटी और बेचारी थी, अब मैं सेक्सी और पावरफुल हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैं थोड़ी देर यहाँ रुका तो मेरी इज्जत को खतरा हो सकता है। सबको प्यार की जरूरत है, लेकिन सबको मिलता नहीं। लेकिन जिनको मिलता है उन्होंने थोड़ी मेहनत तो की होगी ना। कुछ याद आया? Yes. Pyar is like an economic good which is a consumable item that is useful to people but scarce in relationship to its demand, so that human effort is required to obtain it. Goods are divided into tangible and intangible. For example, तुम्हारी ये जो ब्रेसलेट है इसे मैं छू सकता हूँ तो ये tangible है। लेकिन प्यार intangible है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। Yes, I got it. I got it. Income tax was first collected in 1977. No, 1877. 1797. Thank you. To finance the war against the police. Midterms के बाद Salsa Club ले गई. Finals के बाद Disney World ले जाना. I need to focus, sunshine. सोच लो, मेरे पास पढ़ाई करने का foolproof तरीका है. कोशिश भी करोगे तो भूल नहीं पाओगे. मैं तुम्हारे हर सही आंसर पर अपने कपड़ों में से एक चीज उतार दूंगी। तुम जितने सही आंसर्स दोगे मेरे उतने कपड़े। Will you stop it, तानिया? मैं फेल नहीं, बर्बाद हो जाऊंगा। Relax. It's not that easy, हाँ? मैं बहुत मुश्किल सवाल पूछने वाली हूँ। 4 महीने से पढ़ रहा हूँ, 3-4 आइटम तो डेफिनेटली उतरेंगे। और वैसे भी ये गेम हम ग्रेजुएशन के बाद नहीं खेल सकते। फर्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स की हिस्ट्री बताओ। मुझे नहीं पता। इनकम टैक्स की हिस्ट्री बताओ। First collected in 1797 by the Dutch Republic, introduced in the UK in 1799, abolished in 1816 and reintroduced in 1842. Very good. I hope तुमने काफी layers पहने होंगे क्योंकि मैं इस वक्त form में हूँ। Define cross elasticity. क्रॉस इलास्टिसिटी इज व्हेन द प्राइस ऑफ वन गुड अफेक्ट्स द डिमांड फॉर अनदर गुड। एग्जांपल, अगर कॉफी का दाम बढ़ जाए तो लोग चाय पीने लगते हैं, जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए तो गाड़ियों की डिमांड गिर जाती है, और जब जेरी के आंसर्स निकलते हैं तो तानिया की शर्ट उतरती है। आई वांट योर शर्ट, आई वांट योर शर्ट, आई वांट योर शर्ट। वो वो नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है तो ध्यान से सुनना। ओके। मैं तुम्हारे साथ ये गेम इसलिए खेल रही हूं क्योंकि ऑप्शन ए मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ऑप्शन बी ये रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है, या ऑप्शन सी तुमने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड को किस नहीं किया है। एसी चालू है तो गर्मी तो लग नहीं सकती। तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ये रिवीजन करने का बेस्ट तरीका, ऑप्शन बी। थैंक गॉड मैंने इसके नीचे कुछ नहीं पहना था। नहीं, ऑप्शन ए, सी, सी, ऑप्शन सी, सी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इट्स डेफिनेटली ऑप्शन सी।